स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं की क्या है राय, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर डायरी में। डायरी का पहला पन्ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन स्कीम को लेकर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन पर फैसला दिल्ली सरकार को ही लेना है, इस मामले में आपको जो करना है आप कीजिए। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे संवाददाता विकास सारथी क्या जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली और पंजाब सरकार से कहा कि उनके द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत राहत दिल्ली एनसीआर को मिली है वो बारिश के चलते मिली है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपनी ऑड इवन पॉलिसी का बचाव किया और ये कहा कि 2016 और 19 के आंकड़े बताते हैं कि इससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे लागू करने का फैसला आखिर में दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में स्मॉग टावर भी चालू कर दिया गया है और दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि उसकी टीमें मुस्तैद हैं और कहीं पर भी कूड़ा जलाने या पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पंजाब में अब भी पराली जलाने की घटनाएँ सामने आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से कार्रवाई कई बार नहीं हो पाती है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। ऐसे में पंजाब सरकार किस तरह से आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में सक्षम होगी, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। विकास सारथी, ईडी न्यूज़, दिल्ली।